देखा नहीं था मैं तो अभी तक कितने बजे तो गाइस मैं पिछला व्लॉग अभी एडिट किया हूँ और नया व्लॉग अभी स्टार्ट कर रहा हूँ विदाउट एनी स्लीप. सो हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल आके मैं व्लॉग्स. अर्शान भाई की शायरी चल रही है, अदीप भाई की भी शायरी चल रही है, लेकिन अदीप भाई की अलग शायरी चल रही है. मैं भी आज कुछ खाना पसंद करूँगा. वो आप है क्या कुछ जा रहे हो कुछ खाते रहो चल दो आप क्या ऑप्शन A few moments later. So guys, good morning. And मैं उठ चुका हूँ अभी. टाइम अभी 9:30 बज रहे. तो थोड़ा सा ट्रेडिंग डेस्क में क्लीन अप कर रहा था, बहुत ज़्यादा मैसी हो गया हुआ है. तो उसको पहले साफ आउट करते हैं और उसके बाद फिर लग जाते हैं मेरे ट्रेडिंग वाले काम में. So guys, अभी मैं रेडी हो चुका हूँ. 11 बज रहे हैं, अभी ट्रेडिंग वगैरह भी हो गई और मेरे को जाने का है बाहर शैल सर के पास. चलते हैं लेकिन वापस से भी मम्मा के साथ जाने का. सब पेपर्स निकाल के रखा, इंपॉर्टेंट काम है अपना थोड़ा आजकल. ठीक है, क्या क्या निकाला बता. मम्मा का आधार कार्ड है इसमें. हाँ मम्मा का आधार कार्ड नहीं, तेरा आधार कार्ड है, तेरा टी सी है, मम्मा का आधार कार्ड, टी सी लगेंगे, टी सी. वो यहाँ उस दिन का एक बंच रखे हुआ था, अरे बंच में होंगे वो. उस दिन जो मैंने फाइल लेके गया था वो कहाँ है सुनना. सो गाइस फिलहाल चलते हेयर कट करने, बिकॉज ईद आने वाली है और ईद के आसपास में बहुत ज़्यादा क्राउड हो जाएगा. तो चलते फिर सीधा हेयर कट करते हैं. तो फिलहाल मैं कर रहा हूँ हेयर कट एंड उसके साथ साथ थोड़ा बहुत ये भी कर लेंगे, ग्रूमिंग वगैरह, फेशियल जैसे कुछ. तो दो तीन चीज़ें करेंगे एंड टाइम है तो सारी चीज़ें कर लेते हैं. सो गाइज हम आ चुके हैं अभी घर और ये करवाया हमने हेयर कट ट्रिमिंग, क्योंकि कल है नहीं सॉरी कल नहीं परसों इंशाल्लाह, परसों नहीं यार अभी 3 दिन बाकी है. मैं छुप कर आए थे लिए नहीं, लेकिन गर्दी वगैरह हो जाती ना तो मतलब का नहीं आता. और हाँ मैं आप लोग के अभी कमेंट्स वगैरह देख रहा था तो सबकी मस्त मस्त शॉपिंग हो चुकी है. मतलब हाँ अभी कौन कौन बचा रहेगा तो भाई आजकल में कर लो कर, वो किसी ने मतलब ऐसा मैंने सुना कि बस 29 रोजे होने वाले हैं. तो आप लोग जब देखोगे शायद उस दिन चांद रात रहेगा. ये थोड़े ना यार बाल सेट नहीं हो रहे यार, फिर क्या करना पड़ेगा. किसी को कुछ आइडिया है तो बताओ यार कि टकला करा दो. आज का बहुत रोज़ा लग रहा है, बहुत बाहर घूमने में है. चलो फिर चलते हैं फिलहाल और मिलते हैं आपको कुछ देर बाद. हाँ कैसे दिख रहे ईमानदारी से बोलने का, अच्छे से बोलने ईमानदारी से बोलने, झलने का नहीं. हाँ करा ना मैंने कटिंग, कैसी दिख रही कटिंग. वो पीछे के बाल ना वो ऐसा नहीं छूते हो, उसको ज़रा सेटअप करना पड़ेंगे कुछ से. नहीं ना वो उसको वैक्स विक्स लगा के करना पड़ता. ओके सो गाइस नमाज असर का वक्त हो चुका है और अभी हम जाएंगे नमाज असर अदा करने के लिए. उसके बाद जाते हैं इफ्तारी लाने और गरीब आया क्या. गाइस लास्ट ट्रिप लग गया है मीना बाज़ार का और ये अब यहाँ से क्लोज़ हो गया रास्ते ये अपने होटल. और यहाँ से अब बाइक वाइक को अलाउड नहीं करेंगे. मस्त जूस की गाड़ी है, समोसे समोसे और ये A1 का शर्मा बहुत फेमस फेमस चीज़ें. और ये सेंटर में ना दोनों साइड से भी शॉप्स लग गए. तो अब लास्ट के 2 दिन कितने बचे हैं, कितने रोजे होने वाले हैं, लोग कंफ्यूज कर रहे हैं. इतना कंफ्यूज करके छोड़ दिए, 2 रोजे होते क्या, 4 होते क्या मालूम. 30-32 रोजे होने वाले होते, सही है क्या, 32-35 रोजे. अच्छा तो तूने रखेंगे क्या, मैं रखूँगा इंशाल्लाह. 400 भी हुए तो यहाँ से रखूँगा आप. चलो वाशिंग में पहुँच जाने का, भजी भी दिखा के बोर हो गया रे. चलना घूमेंगा नहीं ना उन्हें, छोटा बच्चा है क्या यार. आखिरी आखिरी रोजे में ट्रैफिक होना तो उल्टा आखिरी आखिरी रोजे में खाली होते जा रहा अपना.
रहते समझदार, एक रहते बेवकूफ़ और एक रहते मंडी में कार डालने वाले। कितने रखा रहे बुरे हो गए बोलना एक बार, मतलब कल ही देखे तुम्हारी, अब तुम्हारे ने ब्लॉग में लोगों कितना याद कर रहे हैं। तुम्हारी परसों परसों 29 रोज हो रही है सही में, अगर चांद पे है चांद दिखा दो। अरे यार मेरे को घर के बाहर नहीं निकलना पड़ेगा फिर दो तीन दिन, चांद दिखता है तो वही बोल रहा ना मैं, अपने घर के बाहर निकलूंगा तो लोग समझ के चांद दिख गया और ईद मना लेंगे। गलत है उन लोग ने आज इफ्तार ला चुके हैं, इसमें ज़्यादा करके तो शेरमाल वगैरह ही है, ऐसा कुछ ज़्यादा नहीं लाया हमने क्योंकि ना वो गाला पड़ रहा, तो हमने ज़्यादा कुछ नहीं लाए तो फिर ना हमने ज़्यादा कुछ नहीं लाए। ये भी ठीक है, कुछ भी नहीं लाया मामा ने, कुछ भी नहीं लाया, एक आइटम नहीं लाया मैंने बाहर का। हाँ थोड़ा खाली भजिए लेके आया, वो एक आधा खाली दही बड़े का पैकेट लाया, दही बड़े और उसके साथ में उधई बड़े वाले, अच्छा नहीं लग रहा था मेरे को कि साबुदाना वड़ा छोड़ दो, वो एक ला लिया। फिर उसके बाद समोसे वाले थोड़ा गरीब दिख रहा था, फिर आते आते रास्ते में गरीब में रुका है भजे लेने को तो भजे लेना पड़ा बस। हाँ कुछ नहीं वो, हाँ बस इतना लाया और खाली थोड़ा सा वहाँ पर चिकन देखे क्रेविंग देखे कुछ, बस उसके अलावा कुछ नहीं लाया। जूस काउंट में आता है क्या, जूस काउंट में आता है क्या, जूस अगर काउंट में नहीं आता हूँ तो फिर कुछ नहीं लाया मैंने। कलर कितना अच्छा दिख रहा है इसका, मैं खाली कलर देख के चीज़ें पसंद कर रहा हूँ, रेसिस्ट हो गया हूँ मैं। तो शुरू करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के तौहीद के साथ। तौहीद खजूर का है, क्यों नहीं खा रहे तुम खजूर, हमको दो हम खाएंगे। अर्शन क्या करता, ऐसा लेता ऐसा इतना सा खजूर खाता, कुछ भी करता। उसने पूरा एक खजूर खाया कितने दिन में, मान के पूरा एक रमजान में। बचत करने वाला है उसने, अपने वाला मैंने लगा सुबह में काम दिवाली का दौर दौरा इसके हफ्ता तो पता खबर नहीं। तो गाइस जस्ट हमारी ईशा की नमाज़ हो चुकी है और मैं जा रहा हूँ वापस घर, अभी मम्मी को लेके जाने का है बाहर, तो चलते हैं घर जाके फ्रेश होके निकलेंगे। सो गाइस अभी हम जा रहे हैं मीना बाज़ार, थोड़ा घर की शॉपिंग करनी है, तो मतलब घर के लिए कोई सामान, और हो सकता है कि कल ईद हो, नहीं कल नहीं सॉरी परसों ईद हो तो ड्रॉप करने का क्या, चलो तो परसों में भी ईद हो सकती है। गाइस ये क्या हो गया है, ये क्या हो गया है पता नहीं चल रहा है। हाँ ईद बार चलो ना कुछ तो करेंगे ना वैसा, चलो गाइस यहाँ से हम लोग ने अभी टिकट परचेस कर ली है और अब जाएंगे पन्नालाल का शो देखने। बिग फैन पन्नालाल भाई, बिग फैन भाई, तुम्हारे से ज्यादा तो मेरे सब्सक्राइबर नहीं है। पन्नालाल इतनी पब्लिक में प्रॉफिटेबल ट्रेडर कौन है, पन्नालाल हु इज द मोस्ट एंटरटेनिंग यूट्यूबर ऑफ इंडिया। खाना बोल अबे साले अच्छा भाई साहब हाथ निकाल दो, रिंग को रस्सी को छोड़ दो सब लोग, धन्यवाद शुक्रिया, खाना थैली पीछे रख दो, शो छूटने के बाद यहाँ से लेके जाओ। चल गया बेटा इधर आ जाओ थोड़ा थोड़ा,
अजय इधर आ जाओ, सरक जाओ, इधर आ जाओ, जगह फालतू मत छोड़ो, इधर आ जाओ, सरक जाओ। पन्नाना तुम तुम्हारी जरा पे जाओ, रास्ता किधर है ऐसा, ज्यादा लाल में नहीं आना, जितना बोले उतना सुनना, मस्ती नहीं करना। इसी को हमने सिखाया, तालीम दिया, शिक्षण दिया, इसका नाम पन्ना लाल है। जाओ पन्ना लाल, सबसे मिल के आ जाओ, चेक करके आ जाओ, पूरा राउंड लगा के आ जाओ, पब्लिक को परेशान नहीं करना, बच्चों को मुंह नहीं लगाना, जितना बोले उतना सुनना, सबसे मिल के आ जाओ, चेक करके आ जाओ। पन्ना लाल बच्चों में, बड़ों में, लेडीज में या जेंट्स में बताओ पन्ना लाल के नसीब वाले कौन है? नसीब वाले तो हर कोई होते हैं, किसका नसीब अच्छा है कान लगा के बताओ, कान लगाओ, भाभी आपकी परेशानी नसीब वाले। पन्ना लाल इतना पन्ना लाल चेक करो, ज्यादा खाना कौन खाते, शादी में पार्टी में ऐसा कौन बोलते जल्दी लाओ लेकिन गरम लाओ, खाते जाओ ढेरी देख के परेशान रहा वो भी। तो गाइज हम लोग मसाला पापड़ खा रहे हैं, जिसका साइज देखो, ये वो औरंगाबाद में जो खाए थे ना वो हिसाब से साइज है मसाला पापड़। हमें फिलहाल ईद बाजार बाहर पान खाने के लिए ये एंट्रेंस के साइड पे है, सर बीच में कुछ मारते नहीं इसमें, आपका पान अच्छा बोलो आप। गाइस दिस वाज द ईद बाजार, एक और चक्कर हमारी यहाँ पे हो गई, दो पलट पलट के देख रहे वैल्यू कम हो जाती, इसके लिए नहीं पूछता मैं ज़्यादा, तुम क्यों नहीं आए थे, क्या हुआ रीज़न, क्या करने का, आया है नहीं। सो गाइज वी आर फाइनली बैक होम और बहुत ज़्यादा गल चुके हैं, बहुत ज़्यादा थक चुके हैं। अब इसमें क्या सीन है, कल मेरे को जाने का ट्रैवलिंग करना है और मेरा 1% भी मूड नहीं है, ऑल्दो मेरा प्लान था कि सर को लेके जाने का, लेकिन सर ने लास्ट मोमेंट पर डिच कर दिया, तो अब अकेले जाने का है और बस ये अल्लाह मियाँ पावर बैंक के चार्ज को लगा देता हूँ। गाइस ये इसको निकालना नहीं है रानू, प्लीज़ रात भर फॉर गॉड से का पावर बैंक चार्ज रहने दो, अब कल ट्रेडिंग भी करने का था यार, मकार दो भी लो यार एक आदि तो। सो गाइस आज का वीडियो बस यहीं पे एंड करते हैं, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो ना वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो आने वाली वीडियोस के साथ अपडेटेड रहने के लिए, तो थैंक यू फॉर मेकिंग मी अ पार्ट ऑफ इट, आई विल सी यू सून इन टुमारोज़ व्लॉग, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, खुदा हाफिज, लिव अ लाइफ, लिव अ ड्रीम्स, बूम बूम बूम।